सब्सक्राइब करें यूएस टेक टीवी को और दबाएं बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर के देखने वाले मौजूद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनलॉक टूल का फुल रिव्यू, अनलॉक टूल का रेंट, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अनलॉक टूल को ओपन कर लेना और इधर हम अपना यूज़र नेम लगाएंगे। इधर हमने अपना यूज़र नेम लगा लिया, नीचे हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। ये हमने पासवर्ड भी लगा लिया, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों अगर आप अनलॉक टूल को रेंट पर लेना चाहते हैं तो रेंट पर भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, आप रेंट पर लेना चाहते तो रेंट पर भी ले सकते हैं। 300 रुपया ओनली रेंट है इसका, PKR। तो ये हमारा टूल लॉगिन हो रहा है। इधर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अनलॉक टूल ओपन हो जाता है हमारा। हम आपको यूज़ करने का भी तरीका बताएंगे, हम आपको सारा गाइड भी करेंगे। और अगर आप रेंट पर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, रेंट पर भी ले सकते हैं आप। 300 रुपया रेंट है ओनली इसका, 3 और उसके लिए। तो ये अनलॉक टूल हमारा ओपन हो चुका है आपके सामने। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एम आई पे। एम आई के भी काफ़ी मॉडल दिए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, जिनको आप एफ आर पी रिमूव कर सकते हैं, MI क्लाउड रिमूव कर सकते हैं, रेजी EFS कर सकते हैं, FRP निकाल सकते हैं। सैमसंग पे आ जाते हैं, सैमसंग के FRP ADP मोड में कर सकते हैं, ऑटो ADP ऑन करके कर देगा। हवावे पे आ जाते हैं, हवावे के FRP रिमूव कर सकते हैं, ऑल लेटेस्ट सिक्योरिटी हवावे ID रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं, चिप्स दी हुई हैं। तो ओप्पो में आ जाते हैं, ओप्पो के जो क्वालकम मॉडल हैं A53 हो गया, ओप्पो F17 हो गया, जो भी कॉल का मॉडल है उनका पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं विदाउट ISP USB केबल के ज़रिए सिर्फ 2 मिनट में। वीवो में आ जाते हैं, वीवो के आप लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले जो मोबाइल हैं Y20, Y21, Y12S उनके आप IME रिपेयर कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, पैटर्न रिमूव कर सकते हैं विदाउट टेस्ट पॉइंट। तो दोस्तों बहुत ही फ्यूचर दिए हुए हैं। एप्पल में आ जाते हैं, एप्पल का आप बाईपास कर सकते हैं, और iOS 15 की भी अपडेट आई हुई है इसमें डिसेबल की, वो भी कर सकते हैं आप विद सिम। तो MTK में आ जाते हैं, MTK कहाँ गया, ये MTK में आ जाते हैं। MTK में काफ़ी फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि बैकअप एन भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, रीड RPM भी कर सकते हैं, बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीड बैक कर सकते हैं, रीलॉक बूटलोडर कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी फीचर दिए हुए हैं, ये एरर भी दिए हुए हैं, काफ़ी फिक्स कर सकते हैं आप। तो दोस्तों नोकिया में आ जाते हैं, नोकिया के भी काफ़ी मॉडल दिए हुए हैं जो HMD सपोर्ट करते हैं मॉडल, उनके आप FRP वगैरह रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो जी लिखी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।